हमारे बीच श्रद्धेय राजयोगिनी आदर को दे रहे हैं, सबकी कितना ख्याल रख रहे हैं। 78 वर्ष की आयु में भी देखिए आप कितना ईश्वरीय सेवाओं में अभी भी तत्पर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कानपुर सब जोन के आप रीजनल डायरेक्टर हैं। 1960 में आपने इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया और तत्पश्चात ही अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया। वर्तमान में आप 67 से अधिक सेवा केंद्रों पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। साथ ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में भी प्रशासनिक सेवाओं के लिए, निर्णयों के लिए आपकी अग्रगणी भूमिका रहती है। बहुत शांति से आइए, एक ऐसी हस्ती का आज हम कुछ मधुर वरदान उनके बोलों के रूप में स्वीकार कर लें। अंतर मन की झोली भर जाए, बड़ों का आशीष मिल जाए, बल्कि प्रभु की निकटता का भी हमें एहसास हो जाए, तो मैं बहुत बहुत विनम्र निवेदन करती हूँ हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय राजयोगिनी विद्या देवी जी का, आदरणीय राजयोगिनी विद्या देवी जी का, आदरणीय राजयोगिनी विद्या देवी शांति। आप सभी बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति। परम पिता शांति, परम शिक्षक, परम परम सतगुरु, परम विश्व कल्याणकारी श्रीपिता के संतान, परम विश्व कल्याणकारी भ्राता अविनाशी जो यहाँ पर आप सबके सामने बहुत मधुर गीतों से सबके दिल को गुनगुना रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं। और सभा में उपस्थित सभी भाई बहनें और विशेष करके श्याम नगर की हमारी संचालिका सुनीता बहन जी, मीरा बहन जी और उनके सभी साथी, जिन्होंने बहुत ही उमंग से, उत्साह से, लगन से इस कार्य को आयोजन किया है, जिसमें आप और हम सभी उपस्थित हैं। इतने सभी आत्माओं को यहाँ पर ये सौभाग्य दिलाने का कार्य सुनीता बहन ने किया, उनकी टीम ने पूरा साथ और सहयोग दिया, इसलिए सभी को मैं बधाई देना चाहूँगी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जरा जोरदार तालियों से हमारी इन बहन का स्वागत करिए। और मैं समझती हूँ कि जब से श्याम नगर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सुनीता बहन जी ने उसका कार्यभार संभाला है, और इतिहास में, श्याम नगर के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो आज की यह संध्या वेला भी हम सबके लिए बहुत बहुत यादगार के रूप में है। और बहुतों की जो बाबा के बच्चे बने हैं उनमें भी उमंग और उत्साह आएगा। जो संपर्क में है वो परमात्मा के बच्चे बन जाएंगे और परमात्मा से शांति सुख का जो संपत्ति है, वर्षा है, उसको प्राप्त करेंगे। और जो दूर दूर से या ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना, निमंत्रण पर आए हैं, उनके भी भाग्य की रेखा
बहुत शीघ्र खुलने वाली है। सिर्फ श्याम नगर सेवा केंद्र में 7 दिन 1-1 घंटा देंगे तो जीवन बहुत बदल जाएगा। अनुभव करेंगे कि वास्तव में मानव जीवन की सार्थकता क्या है, हम क्यों इस सृष्टि पर आए हैं, किस लिए आए हैं, मुझे क्या करना है। केवल जन्म लिया, पढ़ाई पढ़ी, व्यापार किया, नौकरी की, घर बसाया, फैक्ट्री लगाई और एक दिन जो आए हैं सबको जाना, बस यही हम सबकी जिंदगी है। या ऐसी भी जिंदगी है कि हम जाने के बाद भी कुछ निशान छोड़ जाएं और वो निशानी हमारी यादगार और अमर रहे। हम क्यों धरती पर आए, भगवान ने हमको क्यों यहाँ पर भेजा, इन बातों को जरूर समझेंगे, जानेंगे। और आज जैसा कि भ्राता जी ने कहा कि संसार में इतनी भाषाएं हैं परंतु एक प्यार की भाषा नहीं आती, मैं भी कहूँगी संसार में बहुत उपलब्धियां हैं, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन आज जो मानव का श्रृंगार के भी बहुत सारे साधन हैं, परंतु जो खुशी मुस्कुराहट जो मानव जीवन का श्रृंगार है, हर्षित मुख, वो नहीं है। बहुत उदासी होगी, गम भरा चेहरा होगा, चिंता का होगा, तनाव का होगा, लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं दिखेगा। कैमरे के सामने तो जब आएंगे कहेंगे जरा मुस्कराइए, फोटो बहुत अच्छी आएगी। अगर हम रोज मुस्कराएं, हर क्षण मुस्कराएं अपनी लाइफ में, तो आप क्या समझते हैं हमारी जो प्रैक्टिकल फोटो है, केवल कैमरे वाली नहीं, चलती फिरती जो हमारी जीवन रूपी पोच है, वो कितना सुंदर होगा। आज 84 लाख योनियां हैं दुनिया में, उनको मुस्कराने का वरदान भगवान ने नहीं दिया है। अगर ये वरदान प्राप्त है तो केवल मानव को प्राप्त है, इंसान को प्राप्त है, जो हम मुस्करा सकते हैं, हंस सकते हैं, अपनी खुशियों को व्यक्त कर सकते हैं। तो कहा गया है कि खुशी जैसी खुराक नहीं और खुशी जैसी संपत्ति नहीं है, ये परमात्मा का वरदान है। लेकिन आज छोटी मोटी बातें सामने आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो सबसे पहले क्या ले जाती है, खुशी रूपी संपत्ति। आज दुनिया में हर चीज आप खरीद सकते हैं लेकिन खुशी नहीं खरीद सकते। बच्चों के नाम तो रखेंगे खुशी, हर्षिता, बहुत सुंदर सुंदर नाम रखेंगे, परी, लेकिन क्या वो खुशी है? केवल पुकारने के लिए है, संज्ञावाचक है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस जीवन से ब्रह्मा कुमारी आश्रम को ज्वाइन करने से, केवल 7 घंटा देने से हमारी खोई हुई खुशियाँ वापस आएगी। एक समय था जब सब खुश रहते थे, साधन तो नहीं थे इतने अधिक जितना आज आधुनिक साधन है हमारे पास, लेकिन खुश रहते थे, बहुत आपस में प्यार था। और उससे भी दूर पीछे चले जाइए तो देवी देवताओं के चेहरों को देखिए, देवी देवताओं की मूर्तियां कभी उदास की नहीं बनाएंगे, चेहरे पर चिंता की रेखाएं नहीं होंगी। तो हमारे देवताओं में क्या विशेषता थी, उनके अंदर कुछ मानव के जो मूल्य थे वो देवत्व रूप में थे, जैसे पवित्रता, गंभीरता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, निरअहंकारिता, ये जो मूल्य थे ये जीवन को खुशियों से भर देते थे। और आज हम इन सब से बहुत दूर हो गए हैं। जब मानव के जो मूल्य हैं वो हमसे दूर हो गए तो अपने जीवन का भी कोई मूल्य नहीं रहा। तो मानव मूल्यों को फिर से लाएं, मंदिर में जाते हैं,
पूजा करते हैं के मंदिर में जाएंगे तो घंटे बजाएंगे, शिव बाबा को जगाएंगे लेकिन खुद को नहीं जगाएंगे, दीपक जगाएंगे लेकिन आत्मा की ज्योत नहीं जगाएंगे। और बहुत जब मान्यता करेंगे तो मंदिर में घंटे भी चढ़ाएंगे, लेकिन अब आप घंटे बहुत बजा चुके, घंटे चढ़ा चुके, अपने जीवन को बनाने के लिए परमात्मा कहते सिर्फ एक घंटा आप दे दीजिए, जो आपका अमूल्य समय है। परमात्मा और कुछ नहीं मांगते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है, अगर अभाव है तो किस बात का, समय का। समय के लिए सब कंगाल है। किसी से कहिए, कहेंगे मेरे पास समय नहीं है। इतना समय नहीं है कि बच्चे माँ बाप को समय दे सके, या रिश्तेदार रिश्तेदार को समय दे। कोई हॉस्पिटल में होगा तो भी कहेंगे उनको देखने जाने की भी मुझे फुर्सत नहीं मिली है। टच तो फोन ले लिया, सारा दिन टच पे रहते हैं, हमारी उंगलियां टच में रहती, पर मेरे टच में कोई है नहीं वास्तव में, जो दिल का टच हो एक दूसरे के साथ। ग्रुप तो बना लिया, हमारे ग्रुप में बहुत सारे हैं, फेसबुक में, इसमें, व्हाट्सएप पे, लेकिन क्या हमारे साथ भी कोई है? हर व्यक्ति आज अपने आप को तन्हा महसूस करता है, और समय भी नहीं है, हैं भी अकेले और समय भी नहीं है। एक समय था बड़ा बड़ा परिवार था, फिर भी सबके पास समय होता था। तो परमात्मा कहते हैं तुम एक घंटा मुझे देंगे तो जो देंगे उसका 10 गुना मैं तुमको दूंगा। तुम एक कदम मेरे आगे आएंगे, मैं 10 कदम आगे बढ़ूंगा। इसलिए भगवान को जब एक घंटा देंगे तो भगवान आपको बहुत समय, और कौन सा समय, खुशी का समय, सुखदाई समय, शांति से भरपूर समय। और इसी भारत की महिमा थी, क्या महिमा थी, बहुत सुंदर गीत गाते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। सोने की चिड़िया क्यों कहा, या धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, भारत की धरती का इतने तो महिमा करती भारत की, लेकिन मोती थे वो मानो मूल्यों के हीरे मोती थे। तो जो आपके पास समय का अभाव है, एक घंटा आप देंगे, आपका जीवन बहुत बहुत सार्थक होगा। आपके जीवन में शांति, खुशी, संतोष और हर प्रकार का सुख, जिसको कहा गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, तो वो समय फिर से आपके जीवन में वापस आएगा। मैं देखती हूँ दीवालों पे कहीं कहीं लिखा होता है अपनी खोई हुई शक्तियाँ वापस आए, कोई वैद्य का होगा नाम, किसी और का होगा, लेकिन परमात्मा जो वैद्य हैं, वैद्यनाथ जी, जिनको वैद्यनाथ धाम से भी याद करते हैं, उनका कहना है तुम मुझे एक घंटा देंगे तो तुम्हारी खोई हुई सुख शांति संपत्ति संतोष वापस आ जाएगा। अगर ये चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा समाज सुखी रहे, हमारे सारी दुनिया भारत विश्व सुखी रहे, तो एक घंटा दीजिएगा। अब कौन देंगे वो जरा हाथ उठा, परमात्मा को। 23 घंटा तो परिवार को देते हैं, एक घंटा परमात्मा कहते हैं। उसमें भी पहले 7 दिन दे करके देखिए, क्योंकि हमारे लाइफ के 7 ही दिन तो हैं, 8वां दिन तो है नहीं। 7 दिन में जन्म लेना, 7 दिन में पढ़ाई पढ़ना, 7 दिन में सारे कारोबार दुनिया के करना। अगर हम संडे से चलते सैटरडे खत्म, तो ये 7 ही दिन की दुनिया है, 7 दिन की जीवन है। 7 दिन एक एक घंटा देंगे। राजा परीक्षित को भी यही कहा कि 7 दिन की कथा सुननी है, भागवत भी 7 दिन की होती है। पहले जमाने में हर चीज़ 7 दिन, अगर टेलर को कपड़ा दिया कहता था 7 दिन में ले लेना, कोई मशीन रिपेयर करने को दिया 7 दिन में ले लेना,
यहाँ तक कि घर का धोबी भी 7 दिन में कपड़ा धो के लाता था। ये 7 दिन क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में है ये 7 दिन। पहला इतवार है जब हम परमात्मा पे और आत्मा अपने ऊपर एतबार कर लेते हैं, हमारे लिए इतवार हो जाता है। उसको संडे भी कहते हैं। उसका 2 अर्थ निकाल लें, सन माना सूर्य और सन माना बच्चे। परमात्मा के हम बच्चे हैं, बच्चों का दिन है। रविवार भी कहते हैं, रवि माना ही प्रकाश सूर्य। तो जब हमने निश्चय कर लिया, परमात्मा पे एतबार कर लिया, 1 घंटा पहला दिन दिया, एतबार किया, निश्चय किया, तो हमारा दूसरा दिन प्रैक्टिकल लाइफ का कौन सा होगा? सोमवार होगा। परमात्मा को सोमनाथ भी कहते हैं। काठियावाड़ गुजरात में सोमनाथ का मंदिर हम देखने जाते हैं, लेकिन परमात्मा पिता जो हमें सोमरस पिला रहे हैं, दूसरा दिन सोमवार का हो गया। जब सोम रस पिएंगे तो निश्चित है जो हमारे अंदर विषय विकार है, जिसको आरती में कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप परो देवा, अमृत पीने से हमारे हृदय से विषय विकार निकल जाएंगे, हमारा जीवन सुखी होगा। तो तीसरा दिन कौन सा? मंगल कल्याणकारी सुमंगल। और जब मंगल आएगा कल्याणकारी शुभ दिन आएगा, परमात्मा को कल्याणकारी शिव कहते हैं। तो उसके बाद का दिन बुधवार आएगा, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। कहते हैं आपकी बुद्धि चलती नहीं है, आपकी बुद्धि को कितना टाइटल दे दिया, किसी ने पत्थर बुद्धि, किसी ने मोटी बुद्धि, किसी ने क्या क्या टाइटल दिया। तो हमारा बुधवार मना बुद्धि का दरवाजा, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। और जिसकी बुद्धि का ताला खुला तो निश्चित है कि सर्वश्रेष्ठ जो दशा है ग्रह, वो बृहस्पति की है, सतगुरु की है। गुरु वार कहते हैं, बृहस्पति वार कहते हैं। तो वो दशा हमारे ऊपर होगी, और जब बृहस्पति की दशा बैठेगी तो हम दिल से चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते उस पिता परमात्मा की शुक्रिया अदा करेंगे कि शुक्र उस पिता परमात्मा का शुक्र है जिसने हमको ऐसा जीवन दिया। जो प्राप्ति है उसका सुख भी नहीं ले पा रहे थे, अब उसका भी सुख ले रहे हैं। परिवार का सुख, धन का सुख, पद का सुख, सम्मान, जनता में जो लेना चाहिए उसका सुख तो असली अब मिलता है। तब उसकी शुक्रिया अदा करते हैं। फिर जो हर एक इंसान के ऊपर शनि की दशा है, आप पंडित जी के पास जाएं, कहें हाथ दिखाओ, निश्चित कहेंगे तुम्हारे ऊपर ढैया या 7.5 साथी है। वो ढैया 7.5 साथी उल्टे पैर चला जाएगा जब हम उस पिता परमात्मा की शुक्रिया अदा करेंगे। फिर उसके बाद हमें दूसरे दिन की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए 7 दिन हमारे जीवन से लगते हैं। तो हम आप सबसे यही प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे कि अपने जीवन को सुखमय बनाना है और सुख देना है, सुख लेना है, कहीं दुख का नाम निशान ना हो। हमारे आस पास पड़ोस परिवार रिश्तेदार कहाँ भी सुनने में ना मिले कि ये सब दुखी हैं, ऐसे सबको सुखमय जीवन बनाने के लिए निमंत्रण है। तो हम आप सबसे उम्मीद भी रखते हैं, आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं कि ज़रूर आप हमारे श्याम नगर सेवा केंद्र में जा करके 1 घंटा 7 दिन लगातार जरूर देंगे। हम बहनें आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, 7 घंटा ही मांग रहे हैं। क्या बहनों को 7 घंटा नहीं देंगे प्रभु के नाम पर? मैं फिर हाथ उठवाऊंगी कि कौन अपनी बहनों को प्रभु के नाम पर ये दान देगा? और कोई दान नहीं चाहिए, हाथ उठाएंगे बहुत दिल से। बहुत बहुत आप सबका भी शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई ऐसा शुभ संकल्प लेने के लिए। और बहुत सुंदर संगीत गीत का प्रोग्राम चल रहा है, मैं बीच में आ गई, समय थोड़ा ज़्यादा लिया। अब हमारे अविनाश भाई जी जिनको आप सब सुनने के लिए आए हुए हैं, मैं उनको माइक देती हूँ। ओम शांति।